वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन. मैं आज आपके साथ एक रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ. दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम योर रिविजनरी टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशंस, राइट. ये क्वेश्चन काफी सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस के. दैट इज द रीजन मैं इस क्वेश्चन को कवर करना चाहूंगा. सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास बेसिक कंडीशन होती है 182 डेज और मोर, सब लोग जानते हैं. दूसरी कंडीशन होती है 60 डेज और मोर, और लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर अगर असेसी इंडिविजुअल असेसी इंडिया में है तो हम उसको रेसिडेंट मान लेते हैं, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है. बट कुछ लोगों के लिए हम जो सेकंड वाली कंडीशन होती है ना, 60 डेज और मोर प्लस लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज, वो नहीं लेते हैं, करेक्ट. तो वो कंसेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. दूसरा, हमारे पास अदर देन फॉरेन सोर्सेज से जो इनकम होती है 15 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे. अगर आप किसी भी कंट्री में या किसी भी टेरिटरी में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होते, वो कंसेप्ट भी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है. दैट इज द रीजन काफी सारे कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस हो रहे थे, इसीलिए आई वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. इजी क्वेश्चन है वैसे, कोई मुश्किल नहीं है. ऐसा आपको पता है रेसिडेंशियल स्टेटस इतना मुश्किल चैप्टर होता नहीं है. मिसेस सारिका एन इंडियन सिटीजन इज इन एम्प्लॉयमेंट विद एन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन UAE, ठीक है. शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन UAE, यानी कि वो लायबल नहीं है UAE में टैक्स देने के लिए. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 शी कम्स टू इंडिया फॉर 121 डेज. तो वो इंडिया 121 डेज के लिए आए हैं इस प्रीवियस ईयर में. एंड शी वॉज इन इंडिया फॉर 50 डेज, 100 डेज, 76 डेज, 145 डेज. ये क्या दिया गया होगा, पिछले 4 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी. तो लास्ट 4 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है. एक बार जल्दी से टोटल कर लें इसका. 50, 100, 76 प्लस 145, 50 प्लस 100 प्लस 76 प्लस 145, 371 आ रहा है. ओके, लास्ट 4 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन. हर एनुअल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इज एज फॉलोज. तो ये ऐसी कुछ इनकी इनकम दी गई है. पूछा गया हमसे, मिसेस सारिका हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ठीक है, ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं ये. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द टोटल इनकम ऑफ मिस सारिका फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है और फिर इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करनी होगी, ठीक है, कर लेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन यूएई फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया इज 10 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख. तो यहाँ पे कुछ 5 लाख दिया हो गया है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये 5 लाख नहीं होता, 10 लाख होता, तो आपका आंसर क्या होता, ठीक है, वो भी हम दे देंगे. थर्ड कहते हैं, इन कंटिन्यूशन ऑफ पॉइंट 2, ओके, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस सारिका कम्स टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर 45 डेज इंस्टेड ऑफ 145 डेज. ठीक है, अगर ये 45 डेज के लिए इंडिया आती इस साल तो हमारा आंसर क्या होता. तो कुल मिलाकर मेनली हमसे रेजिडेंशियल स्टेटस और टोटल इनकम के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनकी टोटल इनकम कितनी इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है. ओके, अब ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले मुझे इनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो वी अंडरस्टैंड कि उसके लिए हम बेसिक कंडीशंस देखते हैं. बेसिक कंडीशंस कहती हैं कि अगर आप दो कंडीशंस फुलफिल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो यू बिकम अ रेसिडेंट. और एक बार आप रेसिडेंट हो जाते हैं फिर हम चेक करते हैं कि ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है बाय अप्लाइंग एडिशनल कंडीशंस, ठीक है. तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन होती है, अगर आप 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में हैं तो यू बिकम अ रेसिडेंट. अगर इनके हिसाब फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं कर पाते हैं तो वी हैव अ सेकेंड कंडीशन ऑल्सो जो कहती है कि मिनिमम आप 60 डेज और मोर इंडिया में होने चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर. मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग जानते हैं, ठीक है, मैं आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को. तो लास्ट 4 ईयर्स में 365 डेज और करंट प्रीवियस ईयर में हमारा 60 डेज और मोर होने चाहिए. इफ यू सेटिस्फाइड एनी ऑफ दीज कंडीशन यू बिकम अ रेसिडेंट. यू बिकम अ रेसिडेंट, उसके बाद चेक करेंगे ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ लोगों के लिए हम ये सेकेंड कंडीशन को नहीं देखते हैं, वहां पर ये सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 182 डेज की कंडीशन होती है. हम जानते हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन हु वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, या फिर अगर कोई क्रू मेंबर है ऑफ इंडियन शिप तो उनके लिए हम सेकेंड कंडीशन नहीं देखते हैं. थर्ड है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
who comes to visit India. ठीक है, normally वो बाहर रहता है, but now he is coming, he or she is coming to visit India. तो उनके लिए भी हम ये second condition नहीं देखते हैं. Correct. और हमारे ये मिस सारिका थर्ड वाले ही केस में आ रही हैं कि जनरली तो ये बाहर रहती हैं और ये इंडिया विजिट करने के लिए आती हैं 121 डेज के लिए. तो इसका मतलब हमारी 60 डेज वाली कंडीशन तो यहाँ पर लगेगी नहीं. तो शी विल बी इन, शी इज नॉट हेयर इन इंडिया फॉर 182 डेज. कितने दिन के लिए इंडिया में थी? सिर्फ 121 डेज के लिए, राइट? तो 121 डेज के लिए सिर्फ इंडिया में थी. तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकती है नॉन रेसिडेंट. करेक्ट, बिकॉज सेकेंड कंडीशन इनके ऊपर लगेगा नहीं, फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं करते, तो मैं इनको नॉन रेसिडेंट बोल सकता था. बट एक बात और चेक कीजिएगा, वी हैव अनदर प्रोविजन. वो ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन अगर विजिट करने के लिए इंडिया आते हैं और उनकी इनकम इंडियन सोर्सेस से, एक्चुअली लॉ कहता है अदर देन फॉरेन सोर्सेस. मैं इसको इजी लैंग्वेज में करने के लिए बोल देता हूं इंडियन सोर्सेस. अगर आपकी इंडियन सोर्सेस से इनकम, ऐसा भी समझ सकते हैं आप, क्लियर है ना? अदर देन फॉरेन सोर्सेस बोले या फिर इंडियन सोर्सेस से आप इजीली रिलेट कर पाएंगे. एग्जाम में पर ऐसे लिखिएगा अदर देन फॉरेन सोर्सेस, राइट? वो सिर्फ मुझे आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ इंडियन सोर्सेस की इनकम, बट एग्जाम में प्लीज यूज कीजिएगा वर्ड्स अदर देन फॉरेन सोर्सेस, ठीक है? अच्छा, ये इंडियन सोर्स वाली इनकम होती कौन कौन सी इनकम है? ये इनकम होती है अगर आपकी इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइज होती है, दैट इज इंडियन सोर्स इनकम, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है, दैट इज एन इंडियन सोर्स इनकम, राइट? इन केस अगर कोई ऐसी इनकम है जो इंडिया में अराइज नहीं हो रही है, रिसीव भी नहीं हो रही है, बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो ऐसी इनकम को भी इंडियन सोर्स की इनकम बोला जाता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका टोटल करना पड़ेगा, क्या ये 15 लाख को एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा. 15 लाख को अगर एक्सीड कर रहा है तो इनके ऊपर एक दूसरी कंडीशन लग जाती है 120 डेज और मोर की, राइट? फिर 60 की तो नहीं लगती, बट 120 डेज की लग जाती है. और अगर ये 15 लाख से ऊपर हो जाता है तो शायद ये सेटिस्फाई कर देंगे. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी वॉज इन इंडिया फॉर 121 डेज. समझ में आ रहा है? तो 120 चाहिए था, 121 आ गया, और लास्ट 4 इयर्स में अभी हमने निकाला 365 से ज्यादा ही आ रहा था. तो इसका मतलब वो रेजिडेंट हो सकते थे. अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इनकी इंडियन सोर्स से इनकम कितनी आ रही है. ओके, जरा देखते हैं, मुझे बताइए कौन कौन सा इंडियन सोर्स होगा. सैलरी अक्रूड और अराइजन इन UAE, ये तो इंडियन सोर्स नहीं है. ओके, ये नहीं है. इनकम अक्रूड और अराइजिंग इन इंडिया, ये इंडियन सोर्स है. इनकम डीम टू अक्रू एंड अराइजिंग इन इंडिया, ये भी है, डीम टू अक्रू और अराइजिंग भी है. इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड इन UAE, अभी तक तो नहीं लग रहा कि इंडियन सोर्स है, क्योंकि इनकम अराइज भी और रिसीव भी UAE में हो रही है. फ्रॉम अ बिजनेस सेटअप इन इंडिया, ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आ जाता है, तो ये भी इंडियन सोर्स है. और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, यानी कि ये तो बातें 80C में आती हैं अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं. और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बिकॉज शी हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ऑप्शनल रिजीम में आते हैं, तो 80C से लेकर 80U में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 80C ले सकते हैं, 1 लाख की इनको डिडक्शन भी मिलेगी, ठीक है? क्या आपको इसका कुछ लेना देना है क्वेश्चन में? द आंसर इज येस. क्यों? क्योंकि जब हम ये इनकम देखते हैं ना, इंडियन सोर्स या अदर देन फॉरेन सोर्सेज बोल सकता हूं, तो इसको हम टोटल इनकम देखते हैं. ग्रॉस टोटल इनकम नहीं देखते, टोटल इनकम देखते हैं. इसका मतलब चैप्टर 6 से की डिडक्शन माइनस करने के बाद हम 15 लाख को चेक करेंगे. समझ में आ गया? तो यहां पर स्टूडेंट एक गलती कर सकते हैं, प्लीज आप लोग मत कीजिएगा. ओके, तो जरा चेक करते हैं इनकी इंडियन सोर्स से इनकम कितनी आ रही है. 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख, तो 2 प्लस 7 9 प्लस 5 14, माइनस 1 भी करेंगे तो 13 लाख ही आएगा. इसका मतलब 15 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है. 120 डेज वाला कंडीशन इनके ऊपर नहीं लगाएंगे. 120 डेज वाली कंडीशन तभी इनके ऊपर लगती अगर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, दूसरे शब्दों में इंडियन सोर्स वाली इनकम 15 लाख को क्रॉस करती, टोटल इनकम 15 लाख को क्रॉस करती, और यहां पर इनकम सिर्फ 13 लाख रुपीज है, ठीक है? तो शी विल बी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, तो हम बोल सकते हैं कि शी विल बी नॉन रेसिडेंट. ये नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं फर्स्ट केस में, तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे.
ठीक है, आप इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप ये पहले तो आपको सिंपल मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किस तरीके से आंसर करना चाहिए। सबसे पहले आपको लॉ लिखना चाहिए। लॉ इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी लॉ की लैंग्वेज लिखते हैं, सिंपल प्लेन इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में सिर्फ आपको प्रोविजन लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा इंडिविजुअल इज सेट टू बी अ रेसिडेंट अगर वो 182 डेज वाली कंडीशन या 60 डेज और मोर 365 डेज सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। हाउएवर उसके एक्सेप्शन है, तीनों एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर लिखेंगे एक एक्सेप्शन जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। हम बोलेंगे बट हाउएवर इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन हु कम्स टू विजिट इंडिया, ठीक है, 60 डेज कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली 182 डेज कंडीशन इज एप्लीकेबल। फिर उसके बाद इसकी बातें भी करेंगे। हाउएवर इन केस द इनकम ऑफ द असेसी इज मोर देन, ठीक है, कौन सी इनकम? अदर देन फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज, देन वी हैव अनदर कंडीशन ऑफ 120 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड लास्ट 4 years में 365 डेज और मोर। ठीक है, ये आपने प्रोविजन लिख दिया। अब आप लिखेंगे इन दिस केस, इन द अबव केस द फॉरेन इनकम, ये कैलकुलेट करके बताइएगा अदर देन फॉरेन इनकम कितनी है, ठीक है, अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम इज लेस देन 15 लाख रुपीज, इज नॉट मोर देन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट मोर देन 15 लाख रुपीज, देयर फोर ओनली 182 डेज कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एंड सिंस हर स्टे इज नॉट मोर देन 182 डेज इसलिए वो हो जाती है नॉन रेसिडेंट। अब ये नॉन रेसिडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है अब इनकी टोटल इनकम बताइए। अब मुझे बताइए नॉन रेसिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइज हो या फिर इंडिया में रिसीव हो। अगर कोई भी इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही, रिसीव नहीं हो रही, वो टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर वो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है भी तो भी नॉन रेसिडेंट के केस में वो टैक्सेबल नहीं होती है। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 15 लाख की इनकम तो टैक्सेबल नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अराइजिंग इन इंडिया। 2 लाख और 7 लाख हम टैक्सेबल कर देंगे बिकॉज इट इज अराइजिंग इन इंडिया या डीम टू अराइजिंग इन इंडिया। 5 लाख को भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, रीजन क्या होगा? बिकॉज इट इज नॉट अराइजिंग इन इंडिया, नॉट रिसीव इन इंडिया, सेटअप फ्रॉम इंडिया है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, बट क्योंकि हमारा असेसी नॉन रेसिडेंट है तो इसको भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो हमारी इनकम आ गई 2 लाख प्लस 7 लाख 9 लाख और उसमें से 1 लाख रुपीज की यहाँ पर हम डिडक्शन दे देंगे ATC की बिकॉज असेसी इज ऑप्टिंग फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 लाख। तो यहाँ पर हमारी टोटल इनकम बनेगी 8 लाख। आई बिलीव आप कर लेंगे अच्छे से इसको। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, What would be your answer if the income arising and received in UAE from business unit set up in India is 10 lakh instead of 5 lakh? कहते हैं फिर आपका आंसर क्या होता? यही आंसर हमसे पूछा है बट थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर दिए हैं। हमारी इनकम जो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया से आ रही थी 5 लाख ना करके इन्होंने बोला अगर 10 लाख होती तो आंसर क्या होता आपका? ये कहते हैं कि अगर इस 5 लाख को कट करके 10 लाख कर दें तो हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम 10 लाख कर दें तो जरा देखते हैं हमारी जो अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम है, मतलब इंडियन सोर्सेज की इनकम है 2 + 7 + 10 = 19 माइनस 1 यानी कि आ गया 18 लाख। अब ये 15 लाख को, अब हमारी टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड कर गई। अब दोबारा से वो सारे प्रोविजंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बार, अब ऐसा नहीं है कि बार बार हर पार्ट में अपने वो प्रोविजन रिपीट करिएगा, मतलब होना चाहिए कि एक बार आप एग्जामिनर को बता दें कि बॉस मुझे प्रोविजन आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप उसको हर पार्ट में बार बार रिपीट करेंगे, नहीं, आप डायरेक्टली अब आंसर दे सकते हैं कि अब सेकेंड पार्ट में आप क्या करिए। सबसे पहले तो आप निकालिएगा कैलकुलेशन ऑफ अदर देन फॉरेन सोर्सेज इनकम, ठीक है, तो वहां पर 2 लाख आ जाएगा कुल मिला के इंडियन सोर्स की इनकम निकाल रहे हैं, 2 लाख + 7 लाख + 10 लाख = 19 - 1 आ जाएगा 18 लाख। अब क्योंकि इनकम हमारी 15 लाख से ऊपर चली गई है और यहाँ पर असेसी इंडियन सिटीजन है और विजिट करने के लिए इंडिया में आया थे, तो इसका मतलब अब हम इनके ऊपर 120 डेज वाली कंडीशन लगाने वाले। अब बिकॉज शी वॉज हेयर इन इंडिया फॉर 121 डेज और लास्ट 4 years में 365 डेज से भी ज़्यादा हो रहा था, तो इसका मतलब ये कंडीशन 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी एंड शी विल बिकम अ रेसिडेंट, ठीक है। और वो कैसी रेसिडेंट बनेंगी, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? जब हम ये फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम लगाते हैं तो फिर हम अपनी जो पुरानी जो एडिशनल कंडीशंस होती है ना हमारी 730 डेज की या आउट ऑफ 10 में से 2 years में आप रेसिडेंट हो जाएं वो नहीं लगती। फिर हमारा सिंपल देखते हैं कि अगर असेसी 120 डेज से 179 डेज के अंदर इंडिया में है तो हम उसको बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी, सॉरी 181 डेज तक, ठीक है, 182 डेज और मोर हो जाता है तो ऑर्डिनरी हो जाएगा,
182 डेज से कम होगा तो फिर वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा. तो इस केस में बिकॉज शी वॉज लेस, शी वॉज देयर इन इंडिया जस्ट फॉर 121 डेज, तो इसलिए व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द इनकम अराइजिंग रिसीव्ड इन यूए फ्रॉम बिजनेस सेटअप इन इंडिया 10 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख. तो आंसर दोनों देना, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस बता दीजिएगा, हर रेसिडेंशियल स्टेटस भी क्यों 120 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, रेसिडेंट बन जाएंगी बट नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे. और अब कितनी इनकम टैक्सेबल करेंगे वो भी बता दीजिएगा, 2 लाख प्लस 7 लाख प्लस 10 लाख, क्योंकि अब इसको 10 लाख मान रहे हैं ये, माइनस 1 लाख 18 लाख. तो हमारी यहां पर इनकम हो जाने होने वाली है 18 लाख. ठीक है, थर्ड पूछा है, इन कंटिन्यूएशन टू पॉइंट नंबर 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिसेस सारिका कम्स टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर 45 डेज इंस्टेड ऑफ 145 डेज. 22-23 में अगर ये 145 ना होके सिर्फ 45 डेज होती, ओके अगर ये 45 यानी कि 100 डेज में कम कर देता हूँ लास्ट में से, तो ये बन जाएगा 271 डेज. ठीक है, 371 में से पहले हमने 145 लिया था, अब 45 भी ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 271 डेज. इसका मतलब वो 120 डेज वाली प्लस लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी. करेक्ट. अब यहां पर क्या अब हम इनको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, बिकॉज 60 डेज की भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, 120 डेज वाली प्लस लास्ट 4 इयर्स में 365 नहीं बने, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, एंड बिकॉज शी वॉज हेयर इन इंडिया फॉर जस्ट 121 डेज, तो क्या मैं इनको नॉन रेसिडेंट बोल दूं, क्योंकि यहां पर ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा. द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन दी गई थी, शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूए. ठीक है, शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन यूए, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये किसी भी कंट्री में या किसी भी टेरिटरी में लायबल टू टैक्स नहीं है, तो उसके ऊपर हमारे पास एक डीमिंग प्रोविजन आ जाते हैं. सेक्शन अगर आपको याद है कोट कर सकते हैं, सेक्शन 6(1)(a), जरूरत नहीं है वैसे कोट करने की, तो वहां पर लिख दीजिएगा, इवन इफ हर स्टे इन इंडिया इज लेस देन 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 प्रीसीडिंग ईयर, स्टिल शी विल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट. बट कैसे हो जाते हैं उस केस में, नॉट ऑर्डिनरी. वहां पर तो डीम्ड रेसिडेंट के केस में हमेशा नॉट ऑर्डिनरी बन जाते हैं, तो आप प्लीज वहां पर ये प्रोविजन लगा दीजिएगा, सिंस शी इज नॉट लायबल टू टैक्स एनी वेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, किसी भी कंट्री में, इन एनी कंट्री और एनी टेरिटरी, तो देयर फोर शी विल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट. और वो भी कैसे, डीम्ड टू बी अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो यहां पर हमारे वो डीमिंग परफेक्शंस लग जाएंगे और ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे. ठीक है, रेसिडेंट तो हैं, आर रेसिडेंट तो हैं, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम आर एन ओ आर भी बोलते हैं. राइट. और फिर इनकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन और नॉट ऑर्डिनरी है, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी. देखो 15 लाख तो टैक्सेबल होगी नहीं, बिकॉज वो इंडिया में अराइज तो हो नहीं रही है. ठीक है, कंट्रोल भी नहीं हो रही है. बट जो इंडिया में अराइज हुई है 2 लाख, डीम टू अराइज हुई है 7 लाख, और सेटअप इन इंडिया है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, 10 लाख ही माना है. बोला है ना इन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में इसको 10 लाख माना है, तो 2 प्लस 7 प्लस 10 माइनस 1 सेम रहेगा 18 लाख. तो यहां पर भी हमारा आंसर 18 लाख ही आएगा. तो पॉइंट नंबर 2 में भी हमारा असेसी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यहां पर भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बट एक्चुअली प्रोविजंस अलग अलग लग रहे हैं. यहां पर वो हमारे डीमिंग प्रोविजंस लग जाते हैं, और यहां पर हमें कोट करना जरूरी है दैट शी इज नॉट लायबल टू इन एनी कंट्री और एनी टेरिटरी. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस. तो आई बिलीव आपके साथ काफी सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे. चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर.